उधर पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद पुतिन की सेना ने दक्षिण यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इस कड़ी में उसने काला सागर के पास बसे मिकोलाइव शहर पर कब्जा जमाने के लिए हमले तेज कर दिए, जिसके लिए रूसी सेना ने अपने बेहद ताकतवर मिसाइल सिस्टम इस्कंदर का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से किए गए हमलों का एक वीडियो भी उसकी ओर से जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिक दक्षिण यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर आसमान से मिसाइल की बारिश करते दिखाई दिए। इस्कंदर से दागी गई मिसाइलें जहां गिरी वहां एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते नजर आए और वहां से धुएं का बवंडर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से जर्मनी के लिए गैस की सप्लाई शुरू कर दी, जो यूरोप के लिए राहत वाली खबर है। मतलब ये कि पुतिन के प्रेशर गेम के आगे यूरोप के देश पस्त हो गए, क्योंकि रूस ने यूरोप को घुटनों पर लाने के लिए गैस की सप्लाई रोक दी थी। और दावा है कि पुतिन के इस पैंतरे से डरकर यूरोपियन यूनियन ने दो दिन पहले रूस के बैंकों से प्रतिबंध हटाने के संकेत दिए थे, क्योंकि यूरोप के देश ये मानकर चल रहे थे कि जंग में यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस अब उनको गैस की सप्लाई कभी नहीं करेगा, जिसकी वजह से यूरोप के सामने बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा होने का खतरा मंडराने लगा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी डर से यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुतिन ने भी बड़ा दांव खेलते हुए जर्मनी के लिए गैस की सप्लाई शुरू कर दी। रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से ही जर्मनी को गैस की सप्लाई करता है और वहां से गैस यूरोप के देशों को भेजी जाती है। असल में 11 जुलाई से बाल्टिक सागर के नीचे से जर्मनी को जाने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई ठप कर दी गई थी, जबकि उससे पहले नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से सिर्फ 60% गैस ही रूस से सप्लाई की जा रही थी। लेकिन जैसे ही 10 दिन पहले यानी 11 जुलाई को इस पाइपलाइन से गैस की सप्लाई बंद हुई तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई थी। हालांकि गैस की सप्लाई रोकने के पीछे रूस ने रखरखाव और तकनीकी कारणों का हवाला दिया था, लेकिन यूरोप के देशों का मानना है कि गैस की सप्लाई बंद होना अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये पुतिन की एक सोची समझी चाल थी, क्योंकि जर्मनी पहले से ही गैस की सप्लाई में आई कटौती की वजह से बेहद परेशान था और फिर 11 जुलाई से रूस से आने वाली गैस पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ऐसे में जर्मनी को ये डर सताने लगा था कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई शुरू नहीं हुई तो उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। मतलब ये कि रूस की तरफ से गैस की सप्लाई रोकने की वजह से जर्मनी तिलमिला गया था। उसे ये लगने लगा था कि रूस अब नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को किसी भी कीमत पर नहीं खोलने वाला है, क्योंकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद जर्मनी ने रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू करने से इनकार कर दिया था। समंदर में बिछाई गई ये एक ऐसी पाइपलाइन थी जिससे रूस यूरोप तक गैस की सप्लाई दुगनी करने वाला था, जिसे फरवरी में ही शुरू किया जाना था, लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से जर्मनी ने इस पाइपलाइन को हरी झंडी नहीं दिखाई थी, जिससे रूस का पूरा गणित ही बिगड़ गया था। माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई कम करना पुतिन का नया प्रेशर गेम था। ऐसा प्रेशर गेम जिसमें फंसकर यूरोपियन यूनियन उस पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने पर मजबूर हो गया, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि दावा है कि पुतिन ने जैसे ही गैस की सप्लाई रोकी यूरोपियन यूनियन ने रूस के बैंकों से प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि पुतिन की चाल के आगे पश्चिमी देश पस्त हो गए। उत्तर प्रदेश में भी बारिश अब आफत बनने लगी है। चित्रकूट में पानी का सैलाब देखने को मिला, जिससे लोग डरे सहमे हुए। सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरता हुआ पानी मानो सब कुछ बहा ले जाना चाहता था। और नीचे करो। वीडियो देखकर हर कोई सहम उठा, जहां देखिए पानी ही पानी नजर आया। और नीचे करो। चित्रकूट के धारकुंडी आश्रम में अचानक से घुसे पानी ने पूरे आश्रम को तालाब में तब्दील कर दिया और बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ता चला गया। पहाड़ों के बीचों बीच बने इस आश्रम में रहने वाले साधु संत भी बारिश के इस खौफनाक मंजर को देखकर सहम गए, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चित्रकूट से सटे मध्य प्रदेश के सतना में भी लगातार बारिश हुई, जिसका असर भी चित्रकूट में देखने को मिला और लगातार हालात बिगड़ते चले गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब पकड़ी गई। इस ट्रक में शराब को सामान के नीचे दबाकर रखा गया था। सामान के नीचे ट्रक में एक केबिन बनाया गया था, जिसमें तस्करी की शराब रखी गई थी। इस केबिन के साइज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 226 पेटी शराब रखी हुई थी। अधिकारियों के मुताबिक बरामद शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए है। चंडीगढ़ में वहाँ की है बोतल और चल रहा है।
आबकारी टीम को NH-91 से शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना सिकंदराबाद पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और ट्रक से अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब बरामद की। हालांकि इस दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गयी। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिगों को बंदूक चलाने के गुर सिखाने का एक वीडियो वायरल होने पर हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये घटना 10 जुलाई की यानी बकरीद के दिन की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक मकान के सामने कुछ लोग खड़े नजर आए। इस दौरान एक बुजुर्ग बंदूक पे गोली लोड कर उसे नाबालिगों को थमाता दिखाई दिया और एक एक कर वहाँ मौजूद 3 लोगों ने हवा में फायरिंग की। फायरिंग की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बंदूक के मालिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इंतजार हुसैन तथा गुलजार हुसैन दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल बंदूक को जब्त कर उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। अलवर के गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी के साथ मारपीट हुई है। अज्ञात बदमाशों ने पूर्व ग्रंथी की बाइक रोककर जमकर मारपीट की है। ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर अलवर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व ग्रंथी के साथ मारपीट की गई है। अज्ञात बदमाशों ने ये मारपीट की है। FIR दर्ज की गई है रामगढ़ थाना इलाके में और 4 अलग अलग टीमें बनाकर, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लोगों के खिलाफ ये FIR दी गई, उनके ऊपर आइडेंटिफाई करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में कौन कौन इन्वॉल्व था। साथ ही IPC के सभी सेक्शंस में FIR दर्ज की जाकर इसमें अनुसंधान रामगढ़ SHO द्वारा शुरू किया जा चुका। वो मेरे साथ तो मेरे को खींच के वहाँ एक साइड में ले गए, वहाँ जाके उन्होंने मेरी गर्बीन गर्बान पकड़ ली, आंखों में मिर्च डाल दी और मेरे बाल काट दिए। नाड़ काटने की फिराक में थे, लेकिन पुजारी की वजह से, कि भाई ये पुजारी है गुरुद्वारे का तो इसके बाल काटने ही अच्छे हैं। उधर पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो के एक विमान में बैठे एक यात्री ने अपने पास बम होने का दावा किया, जिसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया और पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। बम निरोधक दस्ता पूरे साजो सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। इसके साथ ही विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड को भी वहां लाया गया। हालांकि काफी देर तक चली जांच के बाद विमान से कोई बम नहीं मिला, लेकिन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे भड़के यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि बम होने का दावा करने वाले का नाम ऋषि चंद है, जिसे CISF ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं इंडिगो ने रद्द की गई फ्लाइट के यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम करने की बात कही। मध्य प्रदेश के सागर में एक आदमी को लोगों ने घेर लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। एक आदमी जमीन पर बैठा नजर आता है, उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखती है। वो आदमी लगातार